दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। आप लोगों का बहुत ज्यादा इंतजार था कि भाई काली कंबल वाले बाबा जी का कैंप कहाँ लगा है, न्यू कैंप कहाँ है। और इस समय आप लोग सबसे ज्यादा मैसेज और कमेंट यही कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब चैनल पर कि भाई सुरेश जी, आप काली कंबल वाले बाबा जी का वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो दोस्तों मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि उनका नया कैंप कहाँ लगा है, लेकिन कल बात करने के बाद बाबा जी से भाई बात किया, इसके बाद पता चला उनका कैंप बिहार में है। बिहार में किस राज्यों में है, कौन से जिला में है, कौन से गांव में, कब तक ये कैंप लगेगा, तो इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन बटन को दबा के रखिएगा, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को सबसे ज्यादा सब लोगों को जरूरत है। काफी दिन बाद उनका नया कैंप शुरू हो रहा है बिहार में। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई बिहार में पहुंचना है सबसे पहले आपको, और मोतिहारी जिला में पहुंचना है। और मोतिहारी जिला पहुंचने के लिए या तो आप मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन उतर सकते हो, चकिया रेलवे स्टेशन उतर सकते हो, या पटना से भी आप जा सकते हो। नेपाल के बॉर्डर के पास है बिहार की राजधानी पटना। पटना से 170 किलोमीटर की दूरी पर है मोतिहारी जिला। मोतिहारी पे ही चकिया है और चकिया में ही बाबा जी का नया कैंप शुरू हुआ है। अब आप लोग कैसे पहुंच सकते हो भाई, मुजफ्फरपुर उतर कर अगर फुल लाइन से आप जाना चाहते हो बस लेकर, तो मुजफ्फरपुर उतर कर रेलवे स्टेशन है, बड़ा रेलवे स्टेशन है। मुजफ्फरपुर उतर कर वहां से 30 से 35 किलोमीटर दूरी पर है मोतिहारी। तो आप बस लेकर फुल लाइन पकड़ कर जा सकते हो। जैसे ही आप चकिया पहुंचने से पहले एक ओवरब्रिज आएगा, ओवरब्रिज पार करते ही आपको एक टोल नाका दिखेगा बहुत दूर, और टोल नाका के पहले एक चीनी मिल मिलेगा। उस चीनी मिल की ग्राउंड में ही भाई काली कंबल वाले बाबा जी का नया कैंप लगा हुआ है, और वहां पर एक कॉलेज भी है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मुजफ्फरपुर तरफ से अगर आप जा रहे हैं बस के लाइन फोर लाइन के थ्रू, फोर लाइन से आप जा रहे हैं प्राइवेट कार लेकर या बस लेकर, तो आपको हाईवे पे एक वो देखेगा, क्या देखेगा, चकिया की पहले भाई ओवरब्रिज देखेगा। ओवरब्रिज पार करते ही आपको गन्ना मिल, चीनी मिल देखेगा। चीनी मिल में ही उनका नया कैंप है, और वहां से टोल नाका थोड़ा दूर रह जाता है 1 किलोमीटर की, चकिया जो टोल नाका है 1 किलोमीटर दूर रह जाता है। चीनी मिल की ही ग्राउंड में है बाबा जी का कैंप लगाओ, बहुत बड़ा कैंप लगा है। और भाई ये तो हो गए बस की लाइन, अगर ट्रेन से भी आप जाना चाहते हो, चकिया रेलवे स्टेशन है और मोतिहारी रेलवे स्टेशन है, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन है। भाई पटना से भी आप बस लेकर, वहां से भी ट्रेन लेकर आप पहुंच सकते हो मोतिहारी जिला में, चकिया गांव में ही गन्ना मिल की चीनी मिल में उनका कैंप लगा है। इतना मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, डिटेल बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, धीरे धीरे वीडियो को देखिएगा, स्क्रिप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और फर्स्ट नंबर में आप लोगों को बताया कि भाई मुजफ्फरपुर तरफ से अगर फोर लाइन पकड़ के बाबा जी के कैंप तक जाना चाहते हो तो इस तरीके आप पहुंच सकते हो। अब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि मोतिहारी की तरफ से अगर जाना चाहते हो फोर लाइन के थ्रू, मान लीजिए मोतिहारी रेलवे स्टेशन आप लोगों उतर गए और मोतिहारी से बस लेकर फोर लाइन के थ्रू आप जा रहे, तो टोल नाका पार करते ही 1 किलोमीटर की दूरी पर है चीनी मिल, और वहां पर कॉलेज है। उस कॉलेज की दूरी पर है, थोड़ी दूरी पर चीनी मिल है, चीनी मिल की ग्राउंड में ही बाबा जी का कैंप लगा है, है ना। वहां पर आप आराम से जा सकते हो। 17 दिसंबर 2023 से 27 दिसंबर 2023 तक ही उनका ये कैंप लगेगा। तो इस तरीके से आप बाबा जी के कैंप तक आसानी से पहुंच सकते हो। बिहार में उनका कैंप लगा है, न्यू कैंप न्यू शिविर। भाई 3 रेलवे स्टेशन है, मुजफ्फरपुर है, चकिया है और मोतिहारी है, पटना है। ये सारा रेलवे स्टेशन देखो दूर दूर पड़ता है, और चकिया की पहले ही पड़ता है। माना मान लो मुजफ्फरपुर तरफ से अगर आप जा रहे तो ओवरब्रिज पार करते ही एक गन्ना मिल पड़ेगा, वहां पर उनका कैंप लगा है टोल नाका से पहले, चकिया टोल नाका से पहले। अगर आप मोतिहारी की तरफ से जा रहे, मोतिहारी उतर गए मोतिहारी की तरफ से जा रहे, तो टोल नाका पार करते ही, चकिया टोल नाका पार करते ही आपको भाई वो चीनी मिल देखेगा, वहां पर ही बाबा जी का कैंप लगा है हाईवे की बगल में, हाईवे रोड की बगल में, फोर लाइन की बगल में। तो आप ये समझ सकते हो, और आप लोगों को शायद समझ में आ गया कि बाबा जी का न्यू कैंप कहाँ लगा है। तो वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को भाई सभी को जरूरत है। इस वीडियो में मैंने यही बताया कि बाबा जी का न्यू कैंप कहाँ लगा है, काली कंबल वाले बाबा जी का, भाई बिहार में लगा है। बिहार भाई पहले था मुजफ्फरपुर में, अब मुजफ्फरपुर से मोतिहारी जिला में है 30 से 35 किलोमीटर दूरी पर। तो जैसे ही आप वहां पहुंचोगे आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। थोड़ा सा मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, गूगल मैप का इस्तेमाल कीजिए, आप लोग आराम से पहुंच सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबा के वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।